उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के नगर सिसागंज में मंगलवार को एक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां सिसागंज तहसील सभागार कक्ष में लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी फिरोजाबाद चंद्रविजय सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ नेहाजन ने पहुंचकर फरियादियों की जन समस्याओं को कुशलता पूर्वक सुना। वही फरियादी अपनी जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास आई, जहां मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ नेहाजन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज सिसागंज संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 97 शिकायतों में 3 का मौके का निस्तारण दिया गया है, जहां अधिकतर शिकायतें आलू की मौसम एवं चकबंदी विभाग से संबंधित रही। बाकी शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने के दिशा निर्देश दिए गए, जहां इस मौके पर उनके साथ फिरोजाबाद जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह एवं फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP सचिंद पटेल व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK दीक्षित सिसागंज एवं उप जिलाधिकारी सिसागंज देवेंद्र पाल सिंह व नायब तहसीलदार आशीष कुमार त्रिपाठी के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी जन मौजूद रहे। सिसागंज से सचिन जैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। लगभग 97 शिकायतें आई हैं और क्योंकि आलू की खुदाई हो चुकी है तो ज़्यादातर शिकायतें जो है वो पैमाइश से रिलेटेड है, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि अगर अभी खेत खाली है तो उनकी पैमाइश हो जाए। इसी प्रकार से चकबंदी विभाग की जो समस्याएं हैं वो अधिक आ रही है। इसमें कितने शिकायतों को निस्तारण मौके पर किया गया था? लगभग शिकायतों का निस्तारण यहाँ पे 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया है, बाकी उनके लिए एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि समयबद्ध। थैंक यू मैडम।